खबर मनेंद्रगढ़ से आ रही है, जहां ऐसे दृष्टिहीन छात्र हैं जो सुविधाओं के अभाव के बावजूद अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि मनेंद्रगढ़ के आमा खेरवा स्थित एक नेत्रहीन विद्यालय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से करीब 42 बच्चे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये छात्र लाठी के सहारे रोजाना 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल और कॉलेज जाते हैं। विडंबना ये है कि जहां ये दृष्टिहीन छात्र पढ़ने जाते हैं, वहां इनके लिए मस्तिष्क लिपि यानी ब्रेल लिपि का कोई शिक्षक नहीं है। इन्हें मजबूरन सामान्य छात्रों के बीच बैठकर सिर्फ सुनकर पढ़ाई करनी पड़ती है। दिव्यांग छात्र धर्मेंद्र सिंह गुंड ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि हम लाठी के सहारे कॉलेज जाते हैं। हमने सरकार से मांग की थी कि हमें आने जाने के लिए वाहन की सुविधा मिले, लेकिन आज तक हमारी मांगों को नजरअंदाज किया गया। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक आर के सिन्हा ने इस समस्या को स्वीकार करते हुए कहा कि हम इन बच्चों के लिए वाहन की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इनका स्कूल और कॉलेज पहुंचना आसान हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि इन दृष्टिहीन छात्रों को वो सुविधाएं कब मिलेंगी। नेत्र विद्यालय आमा खेरवा मनेंद्रगढ़ में संचालित है, जो हमारे विभाग से अनुदान प्राप्त है। वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको दूसरे विद्यालय में जाकर पढ़ना पड़ता है, और उसमें आवागमन की समस्या उनके ऊपर हो रही है। और हम लोगों ने संस्था प्रमुख कहा है कि आप उनके लिए वाहन की व्यवस्था करें, और वाहन की व्यवस्था होने से किसी भी दुर्घटना से बचे रहेंगे रास्ते में आने जाने से। इसके लिए उन्होंने बात को स्वीकार किया है, और उन्होंने कहा है कि हम जल्दी ही एक वाहन की व्यवस्था करेंगे, जिस वजह से जो बच्चे हैं जो दूसरे विद्यालय में जाते हैं पैदल पढ़ने के लिए, उनके लिए सुविधा होगी। हम लोग यहाँ से तो पैदल ही जाते हैं, स्टिक के सहारे जाते हैं, और हम लोगों को जो समस्याएं होती हैं वो जैसे वाहन हो गए या फिर कहीं पर अगर ट्रैफिक जाम हो गई तो समस्याएं होती हैं, और यहाँ बहुत सारी गाड़ी तो चलती रहती हैं, तो हम लोग किसी प्रकार की समस्या होती है, पर अभी तक तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। स्थिति में बहुत हमारे दिव्यांग जीवन है और गाइडों का समस्या है। इस विद्यालय में जो है वाहन की व्यवस्थाएं नहीं है, और हमने कई बार शासन को जो है ज्ञापन सौंपी भी थी, और कलेक्टर महोदय को भी कई बार हमने ज्ञापन सौंपे, जो हमारे प्रति अभी तक सुनवाई नहीं की प्रशासन ने। तो हम जो है अपने छड़ी के सहारे चलते हैं, और बस ईश्वर के कृपा है, महारानी का कृपा है, उन्हीं के वजह से हम चलते हैं। बाकी हमारे प्रशासन यहाँ के हैं, और जिला प्रशासन या कोई भी अन्य अधिकारीगण हमारे समस्या को नहीं सुने, तो हम यही कहेंगे कि भाई हमारे समस्या को सुने और यहाँ पर किसी प्रकार का वाहन की व्यवस्था की जाए, अगर उनके पास अवेलेबल हो तो। नहीं तो हम तो ऐसे है ही हैं, अपने जीवन में संघर्ष कर ही रहे।